अपन देवनागरी लिपि के मानकीकरण के संबंध में, जो देवनागरी लिपि है उसके मानकीकरण के संबंध में कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो खास खास बातें हैं, उनके बारे में अपन यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे, जो एक कंपटीटर के लिए, एक हिंदी के ट्यूटर के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है, अत्यधिक इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो, शुरू से अपन चर्चा करते हैं पहले वाले बिंदु की तरफ। हमने कहा है कि हिंदी के जो विभक्ति चिन्ह हैं, जिन्हें परसर कह सकते हैं, हिंदी के जो विभक्ति चिन्ह हैं सर्वनामों को छोड़कर, देखो हिंदी के जो परसर्ग हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, जो कारक चिन्ह है ना, वो सर्वनामों को छोड़कर सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे राम ने कहा, अर्थात ने है, जो परसर्ग ने है वह राम के साथ न होकर राम से अलग है। राम के साथ इसका प्रयोग नहीं किया गया, राम से अलग इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि राम संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। फिर आगे वाले उदाहरण में हमने कहा है कि जैसे कोयल को, तो कोयल और को दोनों को अलग अलग रखा गया है। सीता से, यहाँ से को अलग रखा है, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका, यहाँ आपके साथ जो का विभक्ति चिन्ह है, का परसर्ग है, इसको साथ रखा गया था सर्वनामों के साथ। ये सर्वनामों के हमेशा साथ लगते हैं, सर्वनामों के साथ जो विभक्ति चिन्ह है उनका जुड़ा हुआ, मतलब जोड़कर ही इनको, सर्वनामों के साथ इनको जोड़कर लिखा जाता है, और अन्य सर्वनामों को छोड़कर बाकी प्रसंगों में इनको अलग अलग लिखा जाता है। जैसे उसके साथ के जो परसर्ग चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, उसका प्रयोग किया गया है। आगे वाले बिंदु के बारे में अपन चर्चा करें कि सर्वनाम के साथ यदि दो परसर्ग हों, देखो यह तो बात थी ऊपर वाली स्थिति में, तो कि एक परसर्ग हो, तो अब नीचे हमने कहा है कि सर्वनाम के साथ यदि दो परसर्ग होना, दो कारक चिन्ह हो, दो विभक्ति चिन्ह होना, तो उनमें से पहला तो मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए, यहाँ हमने आप गौर कर रहे हैं तो यहाँ उसके, यहाँ के तो साथ में लिखा है, उसके साथ के तो है ना साथ में लिखा है, परसर्ग जो के है उसको तो सर्वनाम के साथ लिखा गया है, लेकिन जो बाद वाला जो के लिए है उसको हमने क्या लिखा है, अलग ही लिखा है। इसी के साथ आगे देखो, इसमें से, अब इसमें देखो, इस सर्वनाम के साथ में परसर्ग तो मिलाकर लिखा गया है, लेकिन जो सेकंड परसर्ग है, द्वितीय जो परसर्ग साथ आया है, दूसरा परसर्ग आया है, इसको पृथक से हमने लिखने का प्रयास किया है, पृथक से लिखा ये जाता है। तीसरा जो बिंदु है वह यह है कि सर्वनाम और परसर्ग के बीच, इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वनाम और परसर्ग के बीच यदि निपात, पार्टिकल आ जाएं, पार्टिकल्स कौन से होते हैं हिंदी में, ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, है ना, इनको पार्टिकल्स कहा जाता है, निपात कहा जाता है हिंदी में, अगर ये आ जाएं किसके बीच में, सर्वनाम और जो कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, जो परसर्ग है, इनके बीच में आ जाएं, तो परसर्ग को पृथक लिखा जाता है। जैसे आप ही के लिए, देखो आप तो है सर्वनाम और के लिए है परसर्ग, लेकिन इसके बीच में क्या आ गया है आपको पता है, ही पार्टिकल्स आ गया है, ही निपात आ गया है, ही, इस कारण से इनको क्या लिखा गया है, अलग अलग लिखा गया है। मुझ तक को, मुझ और को के बीच में तक पार्टिकल आ गया है, इस कारण इनको क्या लिखा गया है, अलग अलग लिखा गया है। आगे वाले बिंदु के बारे में अपन चर्चा करें तो इसमें कहा है कि सम्मानार्थक, सम्मान का अर्थ देने वाले, जो सम्मान सूचक शब्द है ना, जो सम्मान देने वाले हैं, सम्मानार्थक श्री और जी अव्यय पृथक लिखे जाने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, अर्थात किसी भी शब्द के प्रारंभ में श्री और किसी शब्द के अंत में जी, जो अपन लगाते हैं सम्मान सूचक जो अव्यय हैं, उनके लिए इन दोनों को हमेशा ही अलग अलग लिखा जाना चाहिए। जैसे हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, क्या, श्री दिनेश दास जी, इसके माध्यम से हमने प्रयास किया है श्री दिनेश दास जी, इसमें श्री और आगे जो जी लगा हुआ है, ये दोनों स्थितियों, ये जो दोनों हैं, ये ही दोनों ही क्या लिखे गए हैं, अलग अलग लिखे गए हैं। आगे अपन बात करें वर्तनी की एक रूपता की, आगे अपन बात करें वर्तनी की एक रूपता भी भाषा की शुद्धता के लिए परमावश्यक है। वर्तनी की एक रूपता है, ये भाषा की शुद्धता के लिए परमावश्यक है, और इसके माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि देवनागरी लिपि में ई, यी तथा
ये ए के प्रयोग कहाँ करने चाहिए और कहाँ नहीं, इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति है ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस यह जो वर्तनी समिति थी, इस वर्तनी समिति के अनुसार इनका प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, कहाँ कहाँ ई आएगा, कहाँ कहाँ यी आएगा, कहाँ कहाँ ये आएगा और कहाँ कहाँ ए आएगा, इसके संबंध में बहुत ही अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि इसके अनुसार किस किस का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अनुसार बिंदु नंबर जो एक है वह यह है कि संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए। यह जो जानकारी है यह इतनी शानदार है हिंदी के स्टूडेंट के लिए कि कभी कोई भ्रांति नहीं होगी तथा हिंदी लेखन में अशुद्धि होने, अशुद्ध लिखने का चांस बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है। पहले बिंदु में हमने कहा है कि संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग, जो स्वर ई है उसका प्रयोग होना चाहिए, यी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया है, मिठाई, भलाई, बुराई, ये संज्ञा शब्द है, इनके अंत में ई का प्रयोग किया गया है, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, खुदाई आदि। सेकंड जो अपना बिंदु है इसमें हमने कहा है कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुलिंग एक वचन रूप के अंत में आता है, इस बात को भूतकालिक पुलिंग एक वचन रूप में, ये एक वचन रूप है, इसको हमने नीचे उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखो एक बार कि क्रिया की बात हो रही है कि क्रिया के भूतकालिक पुलिंग एक वचन रूप में अंत में आता है, उसके बहुवचन का रूप ये और उसी के अनुसार स्त्रीलिंग में यी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे गया, भूतकालिक पुलिंग एक वचन रूप है गया, अगर इसका बहुवचन बनाया जाए तो गए न कि गए ए स्वर नहीं आएगा, ये आएगा। जैसे गई, इसका स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो गए ई नहीं आएगा, यी ये यति वाला जो है यह है उसके ई की मात्रा लगेगी, गई आएगा। जैसे आया का जो बहुवचन होगा वह होगा आए, न कि आए नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ दिखाया हमने कि ये आए, ये नहीं होगा। जैसे इसका स्त्रीलिंग होगा आया का तो ये होगा आई। हमने इसके माध्यम से समझाया कि जैसे गए, गई, आए, आई, यह कभी भी नहीं होगा। मेरे विचार से दो बिंदुओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरा जो अपना बिंदु है वह ये कह रहा है कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुलिंग एक वचन रूप के अंत में आता है, समझने वाली बात है। यहाँ पर तो क्या है, यह आता है, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, आता है, तो क्या होता है, उसके बहुवचन का रूप ए और उसी के अनुसार स्त्रीलिंग में ई का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉमन बात है, या आएगा तो बहुवचन ये होगा, स्त्रीलिंग ई होगा, और अगर आ आएगा तो बहुवचन ए होगा और स्त्रीलिंग ई होगा। उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया, जैसे हुआ, आया है लास्ट में, तो हुआ का हुए और हुई यह रूप ही शुद्ध हैं, हुई हुए और हुई वो हुए यह कभी भी नहीं है, यह कभी भी शुद्ध रूप नहीं है। जो चौथा बिंदु है वह यह है कि विधि क्रिया और अव्यय में एक का प्रयोग ही उचित है। अब बहुत अच्छी बात कहिए कि जो विधि क्रिया है और जो अव्यय हैं, अव्यय आप अव्यय से समझ सकते हैं, विधि क्रिया एक ही बात है, विधि क्रिया जो अव्यय हैं उनमें एक का प्रयोग ही क्या रहता है, उचित रहता है। जैसे कैसे, चाहिए, दीजिए, देखो लास्ट में ए आया है, लीजिए, कीजिए, इनका प्रयोग है ना, चाहिए ये नहीं आना चाहिए, यह क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, शुद्ध प्रयोग नहीं होगा ये, पीजिए, इसलिए, के लिए, ये बिल्कुल यह शुद्ध रूप हैं, ये इनके लास्ट में नहीं आना चाहिए। अर्थात अव्यय में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, अव्यय में हमेशा ए का प्रयोग ही किया जाता है। आगे वाले बिंदु के बारे में, अपन पांचवें नंबर के बारे में बात करें तो विशेषण शब्द का अंत जैसा होगा वैसा ही ये,
या ए का प्रयोग होना चाहिए। मतलब जैसा विशेषण, उस विशेषण का जैसा अंत होगा वैसा ही उसका क्या होगा, उसका रूप अगले वाला जो है बहुवचन रूप वैसा ही बनेगा। जैसे नया विशेषण है तो नया विशेषण का जो स्त्रीलिंग है वह नई होगा और इसका बहुवचन रूप क्या है, नए होगा। कभी भी ये जो रूप है, यह जो रूप है, ये कभी भी नहीं बनेगा, इस रूप में इनको कभी भी नहीं लिखा जाएगा। आगे वाले बिंदु के बारे में अपन चर्चा करें तो इसमें हमने कहा है कि संयुक्त क्रियाओं में, संयुक्त क्रिया है ना, उनमें सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। संयुक्त क्रिया में जो भी सभी अंगीभूत क्रियाएं हैं वह हमेशा पृथक पृथक लिखी जानी चाहिए। जैसे पढ़ा करता है, इसमें जो भी अंगीभूत क्रियाएं हैं पढ़ना करना और है, इनको सबको क्या लिखा गया है, अलग अलग लिखा गया है। जैसे आ सकता है, जैसे खाया करता है, इन सभी क्रियाओं को हमने क्या किया है, अंगीभूत जो क्रियाएं हैं उनको सबको अलग अलग लिखने का प्रयास किया। अलग अलग मतलब इनको अलग अलग ही लिखा जाता है। अगले वाला जो अपना बिंदु है वह यह है कि जो संस्कृत मूलक जो तत्सम शब्दों की वर्तनी में, देखो संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही लिखा जाए, इनका संस्कृत रूप ही लिखा जाए। परंतु जिन शब्दों में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है, जिन शब्दों में हिंदी में जो हल चिन्ह है जिसे सामान्यतः हलंत भी कहते हैं, जनरली कह देते हैं, ये वैसे वास्तव में इसका नाम हलचिन्ह ही है, हलचिन्ह लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का प्रयत्न न किया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में जगत, महान, विद्वान आदि। किंतु इसमें एक शर्त और दी है, किंतु संधि या छंद समझाने की स्थिति में हो, समझाने की स्थिति होना, संधि या छंद समझाने की स्थिति हो तो इन्हें हलंत रूप में ही रखा जाना चाहिए। जैसे जगत प्लस नाथ, अगर संधि समझाना हो, छंद की स्थितियां समझाना हो तो इनको हलंत रूप में लिखा जाना चाहिए। और वैसे अपन सामान्य रूप से लिखते हैं जो संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में जो आ गए, अब इनका हलंत जो है, जो हलचिन्ह है, वह धीरे धीरे समाप्त हो गया है, इनको दोबारा लगाने का प्रयास नहीं किया जाना